डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का क्षितिज का पहला पाठ पद की व्याख्या करने जा रहे हैं और यह पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत सूर सागर की अत्यंत रचना एक अच्छी रचना है, जिसमें विशेष तौर पे उद्धव प्रसंग का वर्णन, जैसे उद्धव को भ्रमर भी कहा जाता है और उद्धव द्वारा वर्णित प्रसंग को इन भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि कृष्ण मथुरा जब चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आए और कृष्ण के वियोग में गोपियों का हाल एकदम बेहाल था, परेशान थी, और वह उद्धव को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजते हैं इस सिलसिले से कि उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उन्हें अपने ब्रह्म और योग पर अत्यंत गर्व था। उन्हें ये विश्वास था कि अपने ब्रह्म का उपदेश अगर हम जिसे देंगे उनकी विरह वेदना शांत हो जाएगी और वह उनके उपासक बन जाएंगे, अर्थात कृष्ण को छोड़ करके उनके उपासक बन जाएंगे। और जानते हैं उद्धव जी को गोपियों के पास भेजने का एक और मकसद था कि उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत ही नाज हो गया था, घमंड हो गया था, और उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उन अनपढ़ गोपियों के पास भेजते हैं। और अभी आप देखेंगे वो अनपढ़ गोपियाँ उद्धव जी के घमंड को किस तरह से चकनाचूर करती हैं, ऐसे ऐसे तर्क देती हैं, ऐसी ऐसी क्वेश्चन प्रश्न पूछती हैं कि उद्धव की बोलती बंद हो जाती है और खाली हाथ वापस आते हैं और अंत में जान जाते हैं कि कृष्ण में क्या है जिसकी वजह से गोपिकाएं इतना उनके प्रति अनुरक्त में हैं। तो वो पहला पद है कि उद्धव तुम हो अति भड़भागी। यहाँ पर उद्धव अपनी बातों को रख देते हैं, ऐसी ऐसी बात है, आप कृष्ण को छोड़ के इसका अनुसरण करिए, आप ब्रह्म का ध्यान लगाइए, बहुत सारी बातें हैं। तो कहते हैं तो उस पर एक गोपी कहती है और कमेंट करते हुए व्यंग्यात्मक शैली इसमें है, कह रहे हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, इतने भाग्यशाली हो कि अपरत रहत स्नेह तगाती। अपरस मतलब हमेशा, हमेशा तुम रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब तालाब, हमेशा प्रेम के तालाब के पास रहते हो, प्रेम के तालाब मतलब श्री कृष्ण के पास रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत ही नहीं हुई, तुम्हारे कितना भाग्यशाली कौन है। अर्थात गोपियाँ कहती हे उद्धव जी, तुम महा अभागे हो जो कि प्रेम रूपी तालाब के पास रहते हुए भी तुम्हारे मन में प्रेम की भावना नहीं उपजी, और वही प्रेम जिसके लिए हम सारी गोपियाँ तड़फ रहे हैं उसके लिए तुम्हारे मन में कोई भावना ही नहीं जगी, तुम्हारे कितना अभागा भला कौन हो सकता है। और पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देन दागी, तुम तो उसी प्रकार हो जिस प्रकार से पुरैन मतलब कमल, कमल का पात मतलब पत्तियां, रहत जल भीतर कमल के फूल की पत्तियां जल के पास रहते हुए भी तारस देन दागी, उसके ऊपर जल नहीं हो पाता है, जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है, उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं रुक पाती है। आप तो उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद ने ताको लागी, जिस प्रकार से तेल की गागर को, तेल की गगरी को जल के भीतर रखा जाए लेकिन उसके भिगोने पर जल की एक बूंद भी बूंदे ने ताको लागी, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं लगती है। प्रीत नदी में पावन बोर्यो दृष्ण रूप अनुरागी। और हे उद्धव जी, बड़े अफसोस की बात है कि आपका प्रीत नदी, प्रीत रूपी प्रेम रूपी नदी में आपने अपना पैर नहीं रखा, दृष्ण रूप पर आगी, और कृष्ण के रूप आकर्षण रूप का और उनके निकटता का आपके ऊपर कोई प्रदृष्ट न रूप, किसी भी आकर्षण का, कृष्ण के किसी भी आकर्षण का आपके ऊपर प्रभाव न पड़ा। और सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। हे उद्धव जी, हम ज़्यादा क्या कहें,
हम तो अबला हैं, भोरी हैं, गंवार हैं, भोली भाली हैं, और हम लोग कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से डूब गए हैं जिस प्रकार से गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से चींटी गुड़ में जब पड़ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। गुड़ से चींटी चिपट करके अपनी जान दे देती है, लेकिन वह उससे अलग नहीं हो पाती है। हम सबका प्रेम ऐसे ही हो गया है कि कृष्ण जी के प्रेम में हम लोग मर जाएंगे, लेकिन कुछ और दूसरा नहीं कर सकते हैं, किसी और के प्रति कोई लगाव नहीं हो सकता है। हे उद्धव जी, तो अपनी बात आप अपने तक रखिए, बाकी हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें चींटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार आगे है ना, चींटी ज्यों पागी इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार उसे कहते हैं जिसमें हम उदाहरण देकर समझाते हैं, ठीक है। और प्रीति नदी, ये आपकी प्रीति नदी है, इसमें रूपक अलंकार है। पुरैन पात, पुरैन पात मतलब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुरागी, दागी, लागी, परागी में स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री मतलब जिसे राइमिंग वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है वो है, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट जो है कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, ना ही परत कही अवधि आधार आस आमन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, और चाहती हुति गुहार जितें ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर जादा न लही। मर जादा न लही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें कभी कभी सुक्ति में पूछा जाता है, कह रहे हैं हे उद्धव जी, मन की बात तो मन ही में रह गई, अपने मन की बात हम किससे कहें, कौन मेरी भावनाओं को समझेगा, इस नाते हम मन की बात क्या कहें, और कही जाई कौन पे उधो ना ही परत कहीं, किस प्रकार से हम अपनी भावना को कहें, अपनी पीड़ा को किस प्रकार से व्यक्त करें। हे उद्धव जी, हमें समझ में नहीं आ रहा, कहा ही नहीं जा रहा है। जैसे आपका किसी के प्रति विशेष विश्वास रहता है, विशेष लगाव रहता है, और उस विश्वास को अगर कोई तोड़ता है तो उस बात को आप किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हुए संकोच करते हैं कि लोग यही कहेंगे इतना विश्वास किए थे और इसने तोड़ दिया, उसमें आपको खुद का ही काफ़ी दुख महसूस होगा। और कह रहे हैं अवधि आधार आस आमन की, तन मन विधा सही। अवधि मतलब ड्यूरेशन, जैसे समय देखे गए थे हम 3 दिन बाद परसों आ जाएंगे, लेकिन उसी आधार पर उनके आने के समय के आधार की आस जो थी, आस मतलब उम्मीद आशा, आवन की तन मन विथा सही, तन और मन, विथा मतलब व्यथा पीड़ा सहते रही, हमारा शरीर उनके आने की उम्मीद में पीड़ा सहती रही, व्यथा सहती रही, अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहन बिरह दही। और हे उद्धव जी, आपका जो जोग संदेश, ये जोग का जो संदेश दे रहे हैं ना, उसको सुन के बिरह की पीड़ा और भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप किसी का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते टाइम काफ़ी हो जाता है, और उसके बाद कोई आवे और कहे कि इनका इंतज़ार करना छोड़ दीजिए, अब इसको को धारण कीजिए, तब उस पे मन को बहुत दुख होता है। तो ही कह रही आपकी यह संदेश जो दे रहे हैं, जोग का संदेश दे रहे हैं, जोग का अपनाने के लिए बात कर रहे हैं, वह हमारे विरह की अग्नि को और भी बढ़ा दे रहा है। और चाहत हुतय गुहार जितेंते उततय धार बही, और गोपियां कह रही हैं हे उद्धव जी, जिधर से हमें गुहार मतलब हमें जिधर से एक आशा की उम्मीद थी, आप आए थे, हमें एक उम्मीद थी कि उद्धव जी आए हैं, हमारे कृष्ण का कोई संदेश हमारे लिए लाए होंगे, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि जिससे उम्मीद थी वही हमें उलट करके जवाब दे दिया, अर्थात वही हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, कृष्ण से अलग करने की कोशिश कर रहा है। और सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव जी, आप धीर धरें क्यों, अब धीर धैर्य किस प्रकार से धारण किया जाए, जब मर ज़्यादा न लही। मर ज़्यादा न लही मतलब
कृष्ण यहाँ दो अर्थ है, मर्यादा न लही मतलब मर्यादा ही नहीं रह गई, कृष्ण की मर्यादा, कृष्ण के बाद की मर्यादा ही नहीं रह गई तो भला धैर्य हम कैसे रह सकें। और दूसरी मर्यादा का सेंस है कि कृष्ण हमारे राजा हैं, और राजा की मर्यादा ये होती है कि अपने सामने प्रजा को दुखी न होने दें, लेकिन कृष्ण तो ये सब सोच नहीं रहे हैं तो उनकी मर्यादा भंग हो गई है, तो भला हम किस प्रकार से किस आधार पर धैर्य धारण करें। नेक्स्ट है बच्चों कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, कि अब गोपी कह रही है हे उद्धव जी हमारे कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान, हारिल एक पक्षी होता है, जब भी ज़मीन पर बैठता है तो एक लकड़ी लेकर बैठता है, लकड़ी के ऊपर ही बैठता है, उसके पंजे में लकड़ी रहती है तभी बैठता है, तो कह रहे हैं हे उद्धव जी हमारे कृष्ण जी हारिल की लकड़ी के समान हैं, और मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, और उन्हें मन क्रम और वचन अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वाणी से नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को हृदय से दृढ़ता पूर्वक पकड़े हुए हैं, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, और जागते सोते सपने में दिवस माने दिन में, निस मतलब रात में काना काना जपती रहती हूँ, और सुनत जोग लागत ऐसी ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव जी आपको विश्वास नहीं होगा, आपकी जोग की बात सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली, ककड़ी तो आप लोग जानते ही होंगे, चोरी चोरी खेत में भी तोड़े होंगे, तो कड़वी ककड़ी जैसे खा ली हो, आपके जोग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लग रहा। बताओ एक अनपढ़ गोपियाँ इस तरह से पढ़े लिखे उस विद्वान उद्धव को जलील कर रही हैं कि कड़वी ककड़ी से तुलना कर दी, अब बताओ इससे बढ़ के अपमान क्या हो सकता है। उद्धव जी की वही बुद्धि खुल जाती है कि बताइए ऐसा है, और सुन तो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी, और सुतो व्याधि मतलब बीमारी हमको ऐसा लेके आए हैं, आप ऐसी बात को बता रहे हैं जिसे न देखा है हमने न सुना है, और यह तो सूरत नहीं ले सौंपी जिनके मन की चकरी। और हे उद्धव जी हम लोगों का मन ऐसा नहीं है, हम लोगों का मन एकाग्रचित है और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, यह सारी बातें आप उनको समझाइए जिनके मन चकरी हैं, चकरी मतलब घूमते रहते हैं, आज इन पे हैं कल उन पे हैं। और इसी पे सूरदास का एक प्रसंग आता है, हे उद्धव जी उद्धव मन न भय दस बीस, हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन है जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो वही कह रहे हैं कि यह तो सूर तिनई ते ले सौंपो, हे उद्धव जी अपना यह योग उसी को समझाइए जिनके मन चक्कर काटते रहते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, उनको आप बताइए, हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। अब आगे वाले पद में गोपियां कह रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि हरि हैं राजनीत पढ़ाए, हरि हैं मतलब कृष्ण राजनीत पढ़ लिए हैं, राजनीत पढ़ के ट्रेंड हो गए हैं, हमारे कृष्ण अब पूर्ण रूप से राजनीत में दक्ष हो गए हैं, समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और इसीलिए वह बातों में कपट और छल से भी काम ले रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं गोपिकाएं, जब किसी का कुछ नुकसान होता है जिस पे विश्वास करता है तो उससे पर से भी विश्वास धीरे धीरे उठता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि समूझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि समूझ बात कहत मधुकर माने उद्धव जी की बात आपको समझ में आ रही है, कुछ समझी हो जो कह रही हैं, क्या तुम्हारी समझ में आई है, और समाचार सब पाए, क्या इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार मिला है, तो कृष्ण क्या समाचार दिए थे, समाचार कुछ नहीं दिए थे, सिर्फ उद्धव जी को समझाए थे कि जा करके उनको अपने ज्ञान का उपदेश दो जिससे वो तुम्हारा फॉलो करें और हमें भूल जाएं, तो उद्धव जी वही किए, लेकिन गोपिकाएं जो कि प्रेम में डूबी हुई थी, समर्पित थी कृष्ण के लिए, तो ही कह रही हैं कि हे सखी ये सब जो मधुकर यानी उद्धव जी कहे हैं उनकी बात को क्या तुम समझी हो, और उसमें क्या श्री कृष्ण की कोई मैसेज है, कोई समाचार हम लोगों के लिए है,
और एक अति चतुर होते पहले ही अभी गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से वो बड़े होशियार थे, पहले से ही इतने होशियार थे कि मटकी फोड़ देते थे, इल्जाम दूसरे के ऊपर लग जाता था, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो वो गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, अर्थात अब तो गुरु विद्या पढ़ा रहे हैं, अब तो वो गुरु विद्या पढ़ा रहे हैं, भला अब वो कैसे क्या कर सकते हैं। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कैसे पता चला है? अब हमें पता चला है कि ये जोग का संदेश जो देने के लिए भेजे हैं, यही लगता है कि अब उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, पहले से वो काफ़ी बदल गए हैं। इसलिए हे उद्धव जी, हे सखी, वह कृष्ण नहीं रह गए, उद्धव भले लोग के आगे के परहित डोलत धाए। और हे सखी, उद्धव भले लोग के आगे कह रहे हैं कि उद्धव उद्धव भले लोग आगे कह रहे हैं, हे उद्धव जी, पहले के लोग कितने अच्छे थे, भले लोग आगे, आगे मतलब पहले के लोग कितने अच्छे थे जो परहित डोलत धाए, दूसरे के उपकार करने के लिए, दूसरे का भला करने के लिए चलते फिरते थे, लेकिन अब यहाँ तो दूसरा कुछ हो गया है, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत तो जूते चुराए, अब अपने मन फेर पई हैं, अब अपना मन क्या वो हमें, मेरा मन जो चुरा के वो लेके गए हैं, क्या वो वापस कर पाएंगे? अगर वो वापस कर दें तो भी हमें संतोष हो जाए। और कह रहे हैं, ते क्यों अनित करें अपुन जे और अनित छुड़ाए, और वो भला उनसे नीति की हम कार्य की क्या आशा करें, उनसे भला हम ऐसे नीतिपूर्ण कार्य की क्या आशा करें जो औरों से नीतियों और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं। गोपियाँ कहना चाहती हैं कि प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं, और कृष्ण जो हैं, हम कृष्ण से प्रेम किए हैं, लेकिन वो अनितपूर्ण कार्य कर रहे हैं और अपने बजाय किसी और को कह रहे हैं कि तुम इनसे प्रेम करो, तो ये अनितपूर्ण कार्य हुआ, तो भला उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अंत में कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कहते हैं, राजधर्म क्या होता है? राजधर्म ये होता है जिसमें प्रजा को सताया न जाए, प्रजा को दुख न दिया जाए, ये राजधर्म होता है। तो इसलिए अब कृष्ण से कोई उम्मीद नहीं है, बस आपसे मेरा इतना निवेदन है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और कृष्ण से कहिएगा कि हे कृष्ण जी, हम आप ही की शरण में हैं, आप ही से प्रेम करने वाले हैं, और आपके अलावा मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, न ही हम किसी और को प्रेम कर पाएंगे। बच्चों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको तुरंत मिल जाए। दूसरी बात यह है, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको भेजेंगे।